नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और आप देख रहे हैं हरियाणा के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल शो, नाम है ब्लैक बॉक्स, यानी अब की बार किसकी सरकार। और आज के इस एपिसोड में हम जिस डिस्ट्रिक्ट की बात करने वाले हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में उसका एक और नाम है, वह है मिनी क्यूबा। स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग में इस जिले का अपना एक अलग रुतबा है। यह वो जिला है जहां के मुख्यमंत्री को आर्किटेक्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। यह वो जिला है जिसके नाम पर जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है उसके बारे में यह कहा जाता है कि लोकसभा की सीट जो जीत ले, मान लीजिए कि चंडीगढ़ में उनकी ही सरकार बनने वाली है। जी हां, अब इतना कहने के बाद तो पूरा हरियाणा समझ गया होगा आज हम जिस डिस्ट्रिक्ट के ब्लैक बॉक्स को खोलने वाले हैं वो है भिवानी। तो आइए शुरू करते हैं ये खास कार्यक्रम। और सबसे पहले जरा मेहमानों से आपका परिचय करा दें। कांग्रेस की तरफ से राम प्रताप शर्मा जी हैं, प्रदेश महासचिव, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आईएनएलडी की आवाज बुलंद कर रहे हैं सुनील लांबा साहब, जिला अध्यक्ष है और कई सारे पदों पे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी यानी सत्ताधारी दल जो इस वक्त है, जेपी दलाल साहब हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। और इस पूरे दौर को समझने और समझाने के लिए खास तौर पर हमारे साथ एक और मेहमान हैं जो भिवानी की राजनीति को समझेंगे भी और समझाएंगे भी, और जो डब्बे से निकलने वाला है उसका क्या मतलब है उसकी भी चर्चा करेंगे। केसरी शर्मा जी हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये कंट्रोल रूम है हमारा, आज अमित संभाल रहे हैं काउंटिंग सेंटर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित शुक्ला को भी आप देख सकते हैं। तो ये कुल मिला के स्थिति है। और सर हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ खुला खेल फरुखाबादी है, जो निकलेगा वो दिखेगा। और ये हम आपको, जैसे आपको पता है ये जो दरवाजा है ये वो दरवाजा है जो स्ट्रॉन्ग रूम है, जहां पर ये तो हमारा सैंपल वाला डब्बा रखा हुआ है जो दिखा दिखा कर आपका बीपी बढ़ाता रहता हूं। और दवा वाले आजकल बड़ा मुझसे खुश हैं, कह रहे हैं कि आपका जब से प्रोग्राम आया है हमारी दवा की बिक्री बढ़ गई है। हमने कहा कौन वाली दवा, वो बोले जी बीपी वाली दवा है ना, उसकी बिक्री बढ़ गई है। बहरहाल स्ट्रॉन्ग रूम है, चार ब्लैक बॉक्स है भिवानी से, जरा आ जाइए, हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर्स भी हैं जी, एक एक करके आ जाइए। और रिवायत यह है कि जरा एक एक डब्बा चेक कर लीजिए सर कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, बाद में ऐसा ना हो कि आप कहने बढ़ाते चले जाइए, फिर नेक्स्ट पे जाइए, दिखा दीजिए। ये सारे हमारे काउंटिंग ऑफिसर्स हैं। और अभी जब ये जरा आप लोग चेक करते रहिए और हमारे एक्सपर्ट है उनको भी दिखाइएगा। और मैं इसी दरमियान ये भी कह दूं कि जब हमारा चरखी दादरी का एपिसोड आया और जब वहां के ब्लैक बॉक्स, सर को भी दिखाइए और उसके बाद आप काउंटिंग सेंटर में जाइए, जब हमारा चरखी दादरी का आ रहा था एपिसोड, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया, कहा कि भाई साहब आप जो है ना ये ब्लैक बॉक्स नहीं है, ये भगवा बॉक्स है, भगवा बॉक्स। और पता नहीं तरह तरह के नामकरण मेरे हो गए, हालांकि मुझे इससे इसलिए नहीं फर्क पड़ता है कि मैं इसका बहुत आदि हूं। एक दूसरे चैनल पे जब मैं इस तरह के कार्यक्रम किया करता था तब भी गालियां बहुत मिलती थी, और आपकी जितनी ज्यादा गालियां मिलती हैं मुझे लगता है मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं और अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहा हूं। होता यह है कि अगर आपके फेवर में रुझान आ जाए तो मैं ईमानदार, और आपके फेवर में नहीं आया उसी क्षण में बेईमान हो गया। एक एपिसोड में अगर एक डिस्ट्रिक्ट में आपके फेवर में आ गया तो फिर मैं ईमानदार हो गया, अगर दूसरे एपिसोड में हुआ तो फिर मैं बेईमान हो गया, ये चलता रहता है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, अभी चुनाव में वक्त है, इस वक्त तो हालात जो है, जो मूड है,
ये रुझान बदल सकते हैं, ये मैं भी मानता हूं। जब कैंडिडेट आएंगे, बागी कैंडिडेट होंगे, आम आदमी पार्टी आने वाली है, वो अपने कैंडिडेट लेकर के आएगी, बीएसपी अपने कैंडिडेट खड़ा करती है या उसका गठबंधन होता है, ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखने होंगे। लेकिन इस वक्त तो आप मुझे अपने शुभचिंतक के तौर पर देखिए गालियां देने की जगह पर, वो इसलिए कि आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि क्या कहीं पर कोई चूक हो रही है या ग्राउंड को समझने में आप कहीं कोई दिक्कत तो नहीं कर रहे। मैं चरखी दादरी की बात कर रहा था, उस पर बहुत रिएक्शन हुआ, कहा कि भाई साहब ये जाट बहुल्य इलाका है और आप एक सीट बीजेपी को दे रहे हैं, एक INLD को दे रहे हैं, कांग्रेस का वहां आपके अनुसार खाता नहीं खुल रहा है। जरा समझने की कोशिश कीजिए सर, और खाता बीजेपी का खुलेगा कि नहीं खुलेगा, एक तो वहां पे सिटिंग MLA है अभी। अब अगर हम चरखी दादरी की बात कर ले, जो डब्बे से निकला और जो वहां पे हमने स्थितियां देखी है और जो एनालाइज किया है उसके मुताबिक है कि चरखी दादरी में उस इलाके में हुडा सपोर्टर्स भी हैं। अब ये जाट और नॉन जाट का फैक्टर है, आप भरोसा करें या ना करें, ये नेता मंच पे कहें, मैं ये मानता हूं पिछला चुनाव भी इसका गवाह रहा है और आने वाला चुनाव इसका बहुत बड़ा गवाह होगा। ये जाट वोट का डिवीजन हो रहा है, कई जाट जो ये समझते हैं कि हुडा मुख्यमंत्री हो जाएंगे वो थोड़ा उधर शिफ्ट होते हैं, और जिन्हें लगता है कि हुडा मुख्यमंत्री नहीं हो पाएंगे वो INLD की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यानी जाट वोट का डिवीजन हो रहा है और वैसे और उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। मैं मुद्दों की बात ही नहीं कर रहा हूं, बहुत सिंपल गणित है, जरा उसको समझने की कोशिश कीजिए। और जहां पर ये डिवीजन ऑफ वोट होता है वहां पे बीजेपी को फायदा होता है। चरखी दादरी को इस नजर से भी देखने की कोशिश कीजिए, फिर बहुत सारी तस्वीरें आपकी भी साफ हो जाएंगी। और अलग अलग पार्टी, मैं तो कहता हूं कि मैं हर पार्टी के लिए मैं शुभकामना देता हूं, वो सब मेहनत करें आगे बढ़े, अपने ना किसी से दोस्ती है ना किसी से बैर है। और ये भी मैं सुनता हूं कि ये चैनल फलाने का है इसलिए ये फलाना ही रिजल्ट आएगा। सर कभी आप हमारा चैनल, मैं ज्यादा दिन नहीं कहता हूं, एक दिन सुबह से शाम देखिए, शाम में आपकी राय बदल जाएगी। बहरहाल मैं वो शख्स हूं जो मैदान छोड़कर नहीं भागता हूं, और मैं वो पत्रकार हूं जो आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं और जवाब देता हूं, चाहे वो फेसबुक पर हो चाहे अपने कार्यक्रमों के माध्यम से। हाँ ये जरूर है कि आपकी संख्या, सवाल करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जितना वक्त होता है मैं सोशल साइट्स पे भी देता हूं, बाकी का जवाब मैं अपने कार्यक्रम के जरिए भी दे देता हूं, जरा इस पे भी गौर फरमाइएगा। बहरहाल बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो गई, लेकिन चरखी दादरी पर रिएक्शन बहुत ज्यादा था इसलिए अंदर क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। और जरा आपको, इधर काउंटिंग सेंटर है और ये हम कैसे करते हैं सर्वे, सही लोग ये भी कहते हैं कि आपकी टीम आई हमें पता नहीं चला। सर हमारी टीम गई, अगर शोर हो गया कि सैंपलिंग के लिए टीम आई हुई है तो फिर एक पार्टी विशेष या फिर उसके समर्थक वो उसमें घुस करके डाल देंगे। हमारी मेथोडोलॉजी एकदम अलग होती है, हम डोर डोर जाते हैं, शोर नहीं करते हैं, इसलिए कार्यक्रम शुरू करने के पहले 90 के 90 हलके में हमने अपनी टीम घुमा दी, पिछले 2.5 महीने से घूम रही थी टीम, और वो सारे के सारे जो डब्बे हैं वो इस स्ट्रांग रूम में बंद हैं। इसीलिए अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके इलाके में गई टीम और आपको पता नहीं चला, इसका मतलब हमारी टीम बहुत सही और बहुत ईमानदारी से काम कर रही है। बहरहाल हम ये सर्वे कैसे करते हैं, मैं कहता हूं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, और एक बात और जो मैं लगातार कहता हूं, ये रुझान है, कैंडिडेट आएंगे बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, पॉलिटिक्स और क्रिकेट में आखिरी गेंद पे भी चीजें बदल जाती हैं, तो हो सकता है कि चुनाव में रिजल्ट कुछ अलग हो, लेकिन ये इस वक्त का रुझान है, इसको उस गंभीरता से देखिएगा। और ये हमारी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है, इसलिए हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, इसको बहुत बखूबी से समझिए। और आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि जब हमारी टीम गई भिवानी तो कैसे सर्वे किया, जरा ये एक नजर डालिए, कंट्रोल रूम प्ले कीजिए। एक पुरानी कहावत है कि जनता सब जानती है, इस कहावत के मायने चुनाव के दौरान और बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये वही दौर होता है जहां जनता किंग मेकर की भूमिका में होती है। दरअसल 2019 के चुनाव में ज्यादा वक्त बचा है नहीं, इसलिए जनता टीवी की टीम भी निकल पड़ी जनता के बीच उनका मूड जानने।
हमने हरियाणा के हर जिले का रुख किया, हर जिले के हर विधानसभा का जायजा लिया और जनता से ही जाना उनका मूड। हर विधानसभा से हमने 400 सैंपल कलेक्ट किए, यानी भिवानी जिले के 4 विधानसभा से हमने कलेक्ट किए 1600 सैंपल। जनता टीवी ने इस ओपिनियन पोल के लिए हर जिले के गांव, कस्बे और शहर का रुख किया। सैंपल कलेक्ट करने के दौरान हमने न सिर्फ महिला पुरुष मतदाताओं को बराबर का मौका दिया, बल्कि हमने अलग अलग आयु वर्ग का भी ख्याल रखा। इस सर्वे के दौरान हमने कास्ट रेशियो का भी ध्यान रखा। अब जबकि चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रहा, तो हमने हरियाणा के मूड को जानने की पूरी कोशिश की। मतदाताओं का मूड जानने के लिए जनता टीवी ने तैयार किया ब्लैक बॉक्स। ओपिनियन पोल की विश्वसनीयता में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इस वजह से हमने कैमरे के सामने ब्लैक बॉक्स को सील किया। और अब बारी थी भिवानी के मतदाताओं के मूड को जानने की। भिवानी जिला, जहां हमने मतदाताओं के सामने रखे सभी पार्टियों के चुनाव चिन्ह और करवाया गुप्त मतदान। गुप्त इसलिए क्योंकि उनके मत का पता उनके सिवा किसी को नहीं था। हमने पूरी सैंपलिंग प्रक्रिया को कैमरे पर कैद किया, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना पर रोक लगाई जा सके। 12 दिन में हमने भिवानी जिले के 3 विधानसभाओं में सैंपलिंग की। अपने सर्वे के दौरान हमने हर विधानसभा के आखिरी मतदाता से ब्लैक बॉक्स को सील करवाया, ताकि ब्लैक बॉक्स में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। और अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है और खुलने वाला है ब्लैक बॉक्स। तो तैयार हो जाइए भिवानी जिले की जनता के मूड को जानने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कंट्रोल रूम। तो ये हम सर्वे कैसे करते हैं ये हर बार हर एपिसोड में दिखाते हैं, और विजुअल्स आपको बता रहे होंगे कि हमारी टीम वहां जाती है या नहीं जाती है। और अगर आपको पता नहीं चलता है तो ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। और ये जो घंटी है, ये बीपी बढ़ाने वाली घंटी है, ये काउंटिंग सेंटर से इशारा है। ये ब्लैक बॉक्स वाणी है। भिवानी जिले की 4 विधानसभाओं की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया काउंटिंग सेंटर। तो ये 4 जो विधानसभा है उनकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। और जरा सबसे पहले मैं आना चाहूंगा, हमारे साथ जो खास मेहमान है इस वक्त केशरी शर्मा जी हैं। सर, जरा ये बताने की कोशिश कीजिए कि ये भिवानी में 3 पार्टियों के लोग हैं, बाकी भी पार्टियां आएंगी, निर्दलीय उम्मीदवार और इंडिपेंडेंट, सब जोर आजमाइश होगी। कुल मिलाकर करके इस वक्त आज जब 3.5 साल हो चुके हैं सरकार के, और अब 1.5 साल है, कई लोग कहते हैं कि लोकसभा के 7 चुनाव हो जाएंगे, कुल मिला के पॉलिटिकल स्थिति क्या है विद इन पार्टीज? पॉलिटिकल स्थिति, जैसे पहले 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक पर कांग्रेस, एक पर भाजपा, 2 पर, एक पर इनलो, लोहारू में इनलो है, तो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 3 के ऊपर सेकंड पोजीशन इनलो की है जी। एक भी जीती हुई है सीट है। हाँ। तो उसके बावजूद भी भाजपा और कांग्रेस इन्होंने इस चीज से सीख नहीं ली, अभी सेकंड जो पार्टी रहने वाली है तो फर्स्ट भी आ सकती है ऑब्वियसली। केवल मात्र अगर मुकाबला है तो लोहारू में आज मुकाबला इस स्थिति में दिखता है, इनलो और की सीट वहां जीती हुई है और भाजपा वहां सेकंड पोजीशन में, तो सेकंड पोजीशन से फर्स्ट में आने के लिए जो पिछले 4 साल से जो कोशिश की जा रही है वो कोशिश बेहतर नजर आ रही है, चाहे वो टेल पर अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का मुद्दा हो, चाहे गांव में विकास का मुद्दा हो, चाहे और कोई भी जनहित का जो कार्य है वो है। इनलो विपक्ष में होने के नाते मुद्दे जरूर उठा रही है, लेकिन विकास के सामने वो मुद्दे थोड़े बोने पड़ जाते हैं। ये दिग्विजय चौटाला जो अगली पीढ़ी वाले हैं, एक भाई तो एमपी हो गए, दिग्विजय चौटाला की उम्र नहीं थी, सुना है कि इस बार लोकसभा के लिए जोर आजमाइश हो सकती है। दिग्विजय चौटाला का, यानी चौटाला फैमिली के एक मेंबर का वहां पर बड़ा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ये कितना असर डाल सकता है? जहां तक इनलो के कैंडिडेट का और चौटाला परिवार के आदमी का सवाल है, वहाँ महेंद्रगढ़ की 4 कॉन्स्टिट्यूंसी और 5 कॉन्स्टिट्यूंसी दादरी और अपना भिवानी जिले की, ये 9 कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 कॉन्स्टिट्यूंसी इनलो बाहुल्य है, जो जाट बाहुल्य जिसको कह सकते हैं, इनलो का वोटर ज्यादा है, उनमें से कुछ अहिरवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वो कांग्रेस
या भाजपा इन तीनों तिकोने मुकाबले में बहुत जबरदस्त टक्कर दे सकता है। और ये लोकसभा के रिजल्ट विधानसभा पे कितने असर डालते हैं? वहाँ लोकसभा का रिजल्ट में इस बार हो सकता है अलग अलग प्रभाव हो। लोकसभा के रिजल्ट अलग है और विधानसभा के अलग है। बहुत संक्षेप में हम शुरू करना चाहेंगे इस राउंड में, बहुत दो दो लाइन में बताइएगा आपकी तैयारियां, क्योंकि कांग्रेस में उगा पोह की स्थिति है। सर आप कुछ भी बोलेंगे मैं नहीं मानूंगा, इसलिए कि पूरी दुनिया को दिखती है वो साइकिल भी और वो रथ भी। उसके अलावा वहां किरण चौधरी भी है, उनकी भी अपनी विरासत है, वो भी एक खेमा है। कांग्रेस में इन फाइटिंग्स पे क्या आप काबू पा चुके हैं? क्योंकि आपको याद होगा किरण चौधरी और वर्सेस धर्मवीर, वो फैमिली का झगड़ा कैसा चलता रहा है, आपका बहुत कुछ निर्भर करता है उस पे। किरण चौधरी और धर्मवीर अलग अलग पार्टीज में, अब अलग हो गए, अलग होने की वजह भी वही है। धर्मवीर और किरण चौधरी हमेशा अलग अलग रहे, वही तो मैं धर्मवीर की मैं बात कर रहा हूं जी। और जहां तक कांग्रेस की विद इन कांग्रेस इन फाइटिंग की बात है, कांग्रेस पार्टी विद इन कांग्रेस पार्टी में आप स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, एक मुद्दे पे एकजुट है कि भाजपा सरकार की विरोध करना, भाजपा सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध करना, इस मुद्दे पर एकजुट है। और बाकी सारे मुद्दे जो बाकी 99 मुद्दे हैं, और मुझे आप स्पेसिफिक मुद्दे बताइए, हम अधिकतर मुद्दों पे एक। आप इतने मैच्योर हैं, मतलब आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं या मुद्दे अगर मैं गिनाना शुरू करूं, क्योंकि जो इन फाइटिंग्स है सर, मैं आपको बताऊं, आप अगर आप व्यक्तित्व इन फाइटिंग की बात करें, ऑब्वियसली वो काम करता है ना सर, वो असर डालता है सर, वो असर डालता है जी। लेकिन मैं आपको बताऊं 2014 में और 2019 में 5 साल का वक्त गुजर चुका है। 2014 में जो सबक कांग्रेस वालों ने लिया है वो उस सबक के आधार पे आज 2019 में कांग्रेस जन बहुत समझदार हो चुका। अच्छा, मतलब 2014 से 2019 में साइकिल भी और रथ भी है, ये डेवलपमेंट हुआ है सर। बहुत संक्षेप में मुझे दो लाइन, चूंकि ब्रेक पे जाना है, इसके बाद चर्चा जारी आगे रखेंगे। INLD में है ना दुष्यंत हिसार, अब तो INLD फैमिली है सर, एक 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 पीढ़ी में जो नई जमात आई है, करण हो, दुष्यंत हो, दिग्विजय हो, दिग्विजय का बड़ा जोर रहता है भिवानी पर, हो सकता है कि चुनाव भी लड़ जाए, है ना। तो ये फैमिली वाले लोग ही आते जाते रहेंगे, जैसे वहां पर एक तो शाम है तो वहां कोई नहीं जाएगा जी, हारे चाहे जीते, खैर जीतती रही है वहां, तो किरण चौधरी मतलब ठप्पा लग गया। तो आपके यहाँ भी तो फैमिली वाला हिसाब किताब है ना सर, तो शाम का मतलब उन लोगों फैमिली से सीट छूट जाएगी तो कार्यकर्ता के लिए एक अलग पिक्चर कर रहे हैं आप। इंडियन नेशनल लोकदीत और ऑल में सारी चाहे फैमिली हो चाहे सारा एक परिवार ही है। हाँ। जो भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़ा हुआ है। रही बात उसकी, तो भिवानी जिले का सबसे ज्यादा जो फैक्टर है पार्टी का कह ले वो है अजय सिंह चौटाला जी के कारण, उनके टेन्योर में उनके कार्यकाल में जितने सबसे ज्यादा रोजगार जब से लेकर अब तक भिवानी डिस्ट्रिक्ट बनाया सबसे ज्यादा उस टेन्योर में मिले थे, और उनकी एक अपनी अलग पहचान है। आपकी सरकार है सर, है ना, और मुख्यमंत्री जी का खर्चा बढ़ गया है, डिनर भी कराना पड़ता है, लंच भी कराना पड़ता है, कैलाश विजयवर्गीय है उसमें चिप्स भी रखते होंगे, चाय कॉफी भी। ये सिर्फ डिवीजन ऑफ वोट जाट नॉन जाट के आधार पर आप लड़ते रहेंगे या कुछ कर करके भी दिखाएंगे? नहीं, हम डिवीजन ऑफ वोट्स के आधार पर बिल्कुल नहीं लड़ते। भारतीय जनता पार्टी जो है विकास के आधार पर लड़ती है। हाँ। और हरियाणा के अंदर भी जो अभूतपूर्व विकास किया है हमारी सरकार ने, पिछला चुनाव भी आप विकास के नाम पे जीते थे, विकास की हमने परिकल्पना दिखाई थी, पहले हमारी सरकार नहीं थी, लोगों ने हमारे पर विश्वास जताया और उस विश्वास को पूरा करने के रास्ते पे हम चल रहे हैं। और जहां तक विजयवर्गीय जी की बात है, मैं उस मीटिंग में था, हमारी पार्टी में सबको बोलने का अधिकार, चर्चा करते हैं, बात की सुनते हैं, किसी भी आदमी ने ऐसी कोई बात नहीं कही उस मीटिंग में। और कैसे की जाएगी? नहीं, वो किसी की भी जो भी थी हम ये सबको छूट देते हैं। अरे भाई केक कट रहा है, मंत्री कह रहे हैं कि कितना भी केक काट लो अंदर जब भेदभाव है फिर केक काट के क्या करोगे, बिल्कुल। और कैसे कहा जाता है? पहली बार ऐसा है ये कहा जाता है कि डिबेटर हो गए, विकास हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है।
पर क्षेत्रवाद नहीं है जो आप कह रहे हैं कि अंदर मंत्री लेकर और क्या कहते हैं सर, कोई मंत्री का जन्मदिन है तो उसका केक काटेंगे आप, तो दूसरे बारे कहते हैं कि कटवाना है कितनी भी कटवा लो माहौल ठीक नहीं है तो कटवा के क्या करोगे, ऐसी कोई बात नहीं थी, ये सिर्फ प्रेस की परिकल्पना। अच्छा तो कर दीजिए केस 5,000 करोड़ का, केस तो केस करते हैं केजरीवाल जी कितने केस के सब माफी मांग के वापस आ गए, ये भी आप देख रहे हो कि इतने जबरदस्त एलिगेशन लगा के माफी मांग रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि मेरी बात बहुत लोगों से होती होगी, आपकी बात होती है, लेकिन ऐसा कुछ माहौल नहीं था, और आप कह दे मैं भरोसा कर रहा हूँ, मैं वहां आ गया था, मैं मान लू आपकी बात। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिवाली बहुत दिलचस्प है और जीटी रोड पे अगर आप जाते हैं तो वहां की कहानी अलग है, इस बेल्ट में अगर आ जाएं तो कहानी अलग है। कुछ इलाके जात बहुल्य हैं और भिवानी एक ऐसा इलाका है जहां पे चर्चा करना और उसके रुझान देखना बहुत दिलचस्प होगा। मेरी भी नजर है कि इस ब्लैक बॉक्स से क्या निकलता है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, फौरन हाजिर हो रहे हैं और आप देख रहे हैं हरियाणा के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल शो, नाम है ब्लैक बॉक्स, अब की बार किसकी सरकार। लेकिन खिलाड़ियों को स्टेडियम की मेज सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, कब होगा स्टेडियम का विस्तार और कब मिलेगी खिलाड़ियों को सहूलियतें, सिर्फ घोषणा करने से काम नहीं चलेगा। एक गर्ल्स स्कूल है शहर में भिवानी में, कम से कम एक और गर्ल्स स्कूल होने की बनाने की जरूरत है, घोषणाएं हो चुकी है, कब बनेगा भगवान मालिक है। और एक बाईपास की मांग तो करते करते हम थक गए हैं, INLD कांग्रेस और अब बीजेपी की सरकार आ गई, लेकिन अब भी शहर के अंदर जब हम चलते हैं तो जाम से जूझना पड़ता है। जरा ये आप लोग सोच करके रखिए कि ये क्या, ये दर्द है सर, ये दर्द है भिवानी का। और जब मैं भिवानी जाता हूं, ये गर्ल्स कॉलेज और बाईपास पता नहीं कितने समय से चल रहा है, इस पे तो मैं बात करूंगा, लेकिन जरा मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए कि भिवानी में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है और कौन सी पार्टी में ये कैंडिडेट्स चुनाव, लोग कहते हैं ना कि कई बार आंकड़े रुझान गलत हो जाते हैं, उसकी वजह है कई बार बागी खड़े हो जाते हैं, ये भिवानी में क्या हालत है? भिवानी शुरू से ही हरियाणा के निर्माण से लेकर तब तक बंसीलाल के प्रभाव का क्षेत्र रहा है। यहाँ पर दूसरा प्रत्याशी को इतना ज्यादा पनपने नहीं दिया गया, अभी तो राजनीतिक अपनी खेल खेले, विपक्ष के तौर पर लड़ाई लड़ के जनता पार्टी के शासन से लेकर उसके बाद शिव चौधरी देवीलाल के शासन 82-87 तक जो है ये उठा पटक चलती रही। अब जो भिवानी का सीन है वो ये है कि जो मतदाता है उसकी मृग तृष्णा हुए, वो इस तरह से है कि वो कभी बीजेपी के तरफ जाता है, कभी कांग्रेस की तरफ जाता है, कभी इन लोगों की तरफ देखता है, लेकिन उसकी आशाएं अपेक्षाएं कोई पूरी नहीं हो रही। जब तक भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल का, किरण चौधरी उसमें मंत्रिमंडल में थी, तब इन्होंने बहुत लास्ट में जाते जाते 3-4 घोषणाएं करी, मेडिकल कॉलेज की और बंसीलाल यूनिवर्सिटी बनाने की बाईपास की भी की, सब रह गया। लेकिन वो आज पत्थर लगे हुए हैं, मेडिकल कॉलेज की भी वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 बार घोषणा कर चुके हैं मेडिकल कॉलेज बनाने की, बंसीलाल यूनिवर्सिटी एक कॉलेज के परिसर में चल रही है, उसकी बिल्डिंग पूरी नहीं हुई, उसके साथ ही उसी दिन घोषणा हुई थी चौधरी रणबीर सिंह की जींद में जी, वो यूनिवर्सिटी UGC ने भी अप्रूव कर दी और यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बन चुकी है जी। ये सायरन बज गया, जरा ये फर्स्ट राउंड आ रहा होगा शायद। ये ब्लैक बॉक्स वाणी है, भिवानी जिले की 4 विधानसभा सीटों के पहले राउंड के रुझान आ चुके हैं। रुझानों के मुताबिक बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल 3 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया काउंटिंग सेंटर, और ये बीजेपी के लिए झटका हो सकता है, INLD के लिए खुशखबरी हो सकती है। बीजेपी जिसके पास 2 सीटें हैं अभी, हालांकि ये पहले राउंड का रुझान है, अभी 4 राउंड में काउंटिंग होनी है,
लेकिन पहले राउंड में बीजेपी एक सीट पर बढ़त है और INLD तीन सीट पर बढ़त बनाए हुए। कांग्रेस को बढ़त नहीं है और अदर्स का भी को भी अभी बढ़त नहीं मिल रही है। अभी जो हमारे जो एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ पर वो कह रहे थे कि तीन सीटों पर या नंबर दो की पोजीशन पर INLD रही है, वो असर कहीं ना कहीं दिख रहा है एग्रेसिवनेस। लेकिन हालांकि अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। केसी शर्मा जी बता रहे थे ये जो भिवानी की समस्या है और जो पॉलिटिकल राइवलरी रही है, एक आरोप किरण चौधरी पे लगता रहा कि या उस फैमिली पे लगता रहा कि पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट को अपने ग्रिप से बाहर नहीं जाना देना चाहती। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे 10 साल, हालांकि किरण चौधरी सीनियर लीडर है, वो वहां पर मिनिस्टर थी, है ना, फिर भी ये दर्द था लोगों का कि दोनों के टकराव की वजह से उस इलाके का जो डेवलपमेंट होना था वो नहीं हुआ। और जाते जाते कई घोषणाएं कर दी, वो सिर्फ चुनावी घोषणाएं, मैं उनको कहता हूं कि पत्थर गाड़ दो, पत्थर गाड़ घोषणा। इसका नुकसान आपको लगता नहीं कि लॉन्ग टर्म में कांग्रेस को होगा? भिवानी विधानसभा सीट की अगर स्पेसिफिकली बात करें, भिवानी जिले पे ओवरऑल चौधरी बंसीलाल जी का जब से हरियाणा बना, जब से वो मुख्यमंत्री बने जी, इसका इम्पैक्ट प्रभाव रहा है भिवानी जिले पे। 1968 से लेकर के 1975 तक जब तक वो मुख्यमंत्री हरियाणा के थे, चाहे भिवानी में कोई भी विकास की बात हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे नहरी पानी के क्षेत्र में हो, चाहे पीने के पानी के क्षेत्र में हो, बंसीलाल जी ने और बंसीलाल जी के साथ उनके पुत्र सुरेंद्र सिंह जी ने भिवानी पर विकास की एक अमिट छाप छोड़ी है। हम ठीक है सर, और उसी की लेकिन भिवानी डिस्ट्रिक्ट में मैं आरो सिमट कर एक पोशाम पे रह गए, बाकी तीन हाथ से निकल गए। मैं आ रहा हूँ सर, भिवानी जिले में जब से हरियाणा बना है, 7 सीटें भिवानी जिले में होती थी बाढ़ और दादरी को मिला जी, 7 सीटों पे अधिकतर चुनाव में बंसीलाल जी के कैंडिडेट आमतौर पे भिवानी जिले में चुनाव जीतते रहे हैं, सिर्फ उनके विकास के मुद्दे पे। और उनके जाने के बाद, बंसीलाल जी सुरेंद्र सिंह के जाने के बाद, किरण चौधरी ने और श्रुति चौधरी ने, जो हमारे भिवानी क्षेत्र से सांसद थी, सर इतिहास सबको सर, पता है। सर मैं आपको एक सेकंड सर, गिव मी वन मिनट जी। अब 2014 में भाजपा के एक ऐसी जुमलेबाजी, ऐसे नारेबाजी हुई कि लोग उसमें बैठ करके भाजपा को वोट डाल गए। आज की तारीख में सर लोग समझ चुके हैं कि भिवानी में न तो किसान खुश है। सर वो ठीक है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। हाँ सर, कि जिस डिस्ट्रिक्ट पर, जिस इलाके पर बंसीलाल जी को तो सब लोग बहुत इज्जत से देखते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है उन्हें, वो प्रभाव आज उस फैमिली में रिटेन करने में नाकामयाबी हासिल की। श्रुति हार गई, ठीक है, आप कह सकते हैं मोदी वेव था, है ना, लेकिन उसके बाद अगर मोदी वेव था और परिवार का इतना अगर उस पर वर्चस्व था या पकड़ थी, तो नंबर 2 पोजीशन पर होना चाहिए था। आप विधानसभा की लिस्ट उठा के देख लीजिए कि नंबर 2 पे कौन है, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है। सर मैं आपसे वहां उस बात से आपसे सहमत हूँ, लेकिन आज के रुझानों के बारे में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हरियाणा में कौन सी पार्टी का क्या रुझान है? अब 2009-10 में किरण चौधरी मंत्री बनी कांग्रेस की सरकार में, और 2014 तक वो मंत्री रही। इस 7-8 साल के वक्फे में किरण चौधरी ने और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने, जो 5 साल में वो MP रही, इतना प्रभाव विकास की भिवानी जिले में डाल दिया कि आज का रुझान 100% कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि वहां का किसान, वहां का चलिए वो जैसे ही वर्ग, और रुझान आने दीजिए, और आने दीजिए उसके बाद। ये INLD है ना, जाट बहुल अजय सिंह भी एक बार वहां पर जबरदस्त तरीके से आए, दिग्विजय चौटाला बड़ा जोर आजमाइश कर रहे हैं, है ना, आप नंबर 2 पोजीशन पे तो पहुंच जाते हैं सर। और INLD के बारे में यह भी कहा जाता है कि INLD के जो सपोर्टर्स हैं बहुत वोकल हैं, आपके 10 सपोर्टर उनके 1000 पर और उनके 10,000 पे भारी पड़ जाते हैं। मैं तो हरियाणा चप्पा चप्पा घूमा हुआ है, मैंने तो 1000, 5000, 10,000 की भीड़ में कार्यक्रम किए हुए हैं मैंने,
लेकिन वो आप नंबर टू पे पहुंच करके रुक जाते हैं, नंबर वन पे नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार वो एग्रेशन या ओवर एग्रेशन, अति उत्साह आपके लिए घाटे का सबब हो जाता है। बिहानी जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, राजस्थान से जुड़ा हुआ है, काफी बैकवर्ड है, और अगर जैसे चोदंशीलाल का भी मेंशन किया, अगर सही मायने में, क्योंकि उनका काफी लंबा पीछे टेनोर जा चुका है चोदंशीलाल का, लेकिन जो कमियां रही थी, खामियां रही थी, जो जिस टाइम में उन्होंने, जब से इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से अजय सिंह चौटाला भिवानी में आए, उन्होंने सिर्फ एमपी बनने के लिए नहीं आए थे, उन्होंने अपना यहां से कर्म क्षेत्र चुना था, और रिकॉर्ड की बात है ये, खासकर पिछले 14-15 साल का उठाकर देख लो, हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, आप किसी फैक्टर में उठाकर देख लो, पीने के पानी के मामले में जितना बुरा हाल पिछले हुआ है, आप रोड के मामले में देख लो, कहीं भी ऑन रिकॉर्ड की बात देखोगे, आज हॉस्पिटल है आपका, पिछला भी आप कांग्रेस पार्टी का भी उठाकर देखो, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें 50% डॉक्टर भी नहीं है। टोटल भिवानी डिस्ट्रिक्ट का हम देखें, 175 की टोटल है भिवानी डिस्ट्रिक्ट की डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ, और आज 72 है। इसी तरह से आप उसमें एजुकेशन में देख लो, 40% टीचर्स है, किस तरह से कैसे काम चलेगा आप ये बताओ। इसलिए डेवलपमेंट का उठा लो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट पहले राउंड का रुझान आ रहा है लेकर आई, बड़ा प्रोजेक्ट ने बीजेपी लेकर आई, पहले राउंड का रुझान आ रहा है, ये आपके ये मतलब चिंता का सबब होना चाहिए। ठीक है, अभी सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन ये आपके लिए चिंता का सबब नहीं है कि भिवानी में अगर 4 सीटें हैं, जैसा कि अभी वो भी बता रहे थे, शर्मा जी भी बता रहे थे कि उसमें 3 पर नंबर 2 पोजीशन पर INLD है, और जिस तरीके से वो मेहनत कर रही है, हर सब पार्टी कांग्रेस में मेहनत कर रही है, सब लोग कर रहे हैं, लोकतंत्र में सबको करने का अधिकार है, करना भी चाहिए, ये दायित्व भी है, ये कर्तव्य भी है, ये आपके लिए कहीं खतरे की घंटी बजा दे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के यहाँ लोग नाराजगी व्यक्त करते हैं, कार्यकर्ता हो चाहे मंत्री हो, है ना, ये आपके लिए कहीं खतरे की घंटी हो जाए। नहीं, भिवानी में भारतीय जनता पार्टी में पहली बार अकेले दम पे पिछला चुनाव लड़ा था, और वो 2 सीटें 4 में से जीते थे, और 2 जो सीटें थी दूसरी लोहारू की 2000 वोट से पीछे रही थी, तो शाम में भी वो बिल्कुल लगभग नजदीक वोट जो था हमारा नजदीक लगाती थी। अभी भी हमारा जो कार्यकर्ता का बेस बड़ा है, और जो गरीब आदमी के में नौकरियों में ईमानदारी है, पारदर्शिता है, समान, कितने लोगों को नौकरी मिल गई, बहुत ईमानदारी है, मान लिया सर। मुद्दा ये नहीं है कि कितनों को मिली, मुद्दा ये है कि गलत को मिली या सही को मिली, मुद्दा ये भी है, ये आपके लिए भले ना हो, हमारी हमारे मैं जब टेबल पे इस तरफ खड़ा हूं, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो उन्होंने जानबूझ के कोर्टों में PIL डलवा के बहुत सारी नौकरियां, ये हर सरकार यही रोती है, लेकिन ये नोडा साहब भी यही रोते हैं, आप भी यही रोते हैं, इससे जल्दी सारी लिस्ट आने वाली है, और आप जाके पता करो जिनके घर में नौकरियां दिए जले हैं, ऐसे ऐसे आदमी है जो किसी राजनीतिक आदमी को जानते हैं। सर, वो बहुत बार हरियाणा में चर्चा हो गई है, जरा वापस इस पर आ जाए, ये मेडिकल कॉलेज की मांग है ना, ये पत्थर गाड़ अभियान जो है, अभियान ये पिछली कांग्रेस सरकार का है, आपने नहीं कहा कि यहाँ मेडिकल इन्होंने किया क्या है, जाती हुई सरकार आपने क्या किया सर, उसका जाते हैं वो सारा कोई पत्थर गाड़ जाते हैं उसको अप्रूव, क्या आपने 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 नींव रखी कि नहीं रखी, हमने तो उसका काम अब शुरू होने वाला है, यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो गया है, जमीन का फैसला नहीं करके गए थे कि प्रेमनगर में बने या दूसरी तरफ बने, उसका फैसला कर दिया, जमीन अलॉट होगी, पत्थर जो जमीन दी, सर जमीन पे बताइए कि कब दिखने लगेगा, हम भिवानी के लोगों को कब दिखने लगेगा, काम प्रेमनगर में शुरू हो चुका है, बाईपास के बारे में सोचा आप लोगों ने, पहली बार भिवानी रोड और जीत दादरी रोड के बीच में बाईपास बन चुका है, पहले कभी नहीं बना था, अब बना हुआ है सड़क पे, भिवानी जब पिछली सरकार में, आप इसका बाईपास की जरूरत नहीं है, आधा पोर्शन रहता है, भिवानी जब पिछली सरकार, आधा वाला भी जोड़ के बताइए सर, हां जहां से दूसरा जिला शुरू होता था भिवानी की सड़क अलग से बता देती थी कि भिवानी जिला शुरू हो गया, आज वो सारी सड़कें फोर लेनिंग होगी, एक गर्ल्स कॉलेज बनाने, एक गर्ल्स स्कूल बनाने में कितना वक्त लगता है, उसमें आपके पड़ोस में महेंद्रगढ़ में रामविलास शर्मा जी हैं, गर्ल्स स्कूल हमारे यहाँ है, वो भी भिवानी से MP चुनाव लड़ने का सपना कई बार बीच में देख लेते हैं, मांग और है, और हमारी जमीन सरकार ने कोई जमीन अधिग्रहण नहीं किया, जमीन के मुद्दे पे जमीन जहाँ उपयुक्त मिल जाएगी वहाँ हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गर्ल्स स्कूल और बना देंगे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, जब ब्रेक से लौटेंगे तो तोशाम की बात करेंगे कि तोशाम में जो वर्चस्व है क्या अब भी स्थिति वैसी ही है या फिर कुछ उसमें तब्दीलियां है, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो रहे।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शशि रंजन और आप जनता टीवी पर देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। ये हरियाणा का रियल टाइम ओपिनियन पोल है, ब्लैक बॉक्स है और अब की बार किसकी सरकार हरियाणा का मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये रुझान है, ये नतीजे नहीं है। और एपिसोड चलाने के पहले हम डिस्क्लेमर भी चलाते हैं कि इसे आप रुझान समझिए, ये वैसे ही है जैसे आप क्लास में होते हैं तो क्लास टेस्ट आपके टीचर लेते हैं और ये आपको बीच बीच में बताते रहते हैं कि भैया मेहनत करनी है या नहीं करनी है या किस दिशा में मेहनत करनी है। असली वाले तो वो हैं जो चुनाव आयोग कराता है, उसके पहले ये क्लास टेस्ट है, ये रिहर्सल है और अपनी कमी बेसी को देखिए और उसे दुरुस्त कीजिए। अगला जो हम उठा रहे हैं वो तोशाम उठा रहे हैं, जरा तोशाम के बारे में अंदरूनी। और सर बिना डरे हुए बोलिए सर, एकदम बिना संकोच का, बिना मतलब वो पत्रकार क्या जो गालियों से डर जाए या आलोचनाओं से डर जाए, इसलिए सर बेधड़क बोलिए तोशाम में अंदर क्या चल रहा है। तोशाम क्षेत्र शुरू से ही बंसीलाल की कर्म भूमि का हो या उसका अपना विधानसभा क्षेत्र रहो, फिर उसके बेटे का, फिर उनकी पुत्रवत होगा। इस क्षेत्र में विकास के नाम पर जो हुआ है बंसीलाल से लेकर आज तक, चाहे देवीलाल का शासन हो, भजनलाल का हो, कुछ हो, बंसीलाल ने इस क्षेत्र की कायाकल्प की है। यहाँ नहरों का जाल बिछाया है और पानी किसानों के लिए, पानी एक भगवान का रूप था उस टाइम में जब पानी पहुंचाया है। लेकिन उसके बाद बंसीलाल जाने के बाद उन नहरों का रख रखाव में बड़ी भारी प्रॉब्लम, सड़कों, बिजली का, सड़कों का, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इस क्षेत्र की पूरी तरह से उपेक्षा हुई। बंसीलाल ने अपने टेनोर में पूरे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में एक भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं बनवाया। सीनियर सेकेंडरी कॉलेज तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी यहाँ का मतदाता उसको पलकों पर बिठाया रखता है। आज भी किरण चौधरी वहाँ से विधायक हैं, दो बार बनी हैं और किरण चौधरी ने भी काफी विकास करवाया अपने 10 साल 8 साल के पीरियड में। लेकिन अंदर की पॉलिटिक्स तो वहाँ पे कांग्रेस में तो कोई घुस नहीं सकता है किरण चौधरी के रहते हुए, में तो नहीं घुस सकता बीजेपी या एनएलडी, लेकिन बीजेपी वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति रही है वो तालमेल की रही है। अच्छा, आपस में तालमेल हो जाता है की राजनीतिक, तुम मुझे अल्लाह कहो मैं तुझे, ये तालमेल की राजनीति। या विपक्ष का अगर सशक्त उम्मीदवार एक आए तो कोई बड़ी बात नहीं, 1-to-1 वाला। मैं सर चूंकि वहां पर किरण चौधरी जी लंबे अरसे से हैं, मिनिस्टर भी रही हैं, तो आपके पास लास्ट में आऊंगा। ये तो शाम जो है ना, ये जो हमारे पास लव लेटर आया हुआ है, पहले तो वो भी पढ़ दूं और आप तो खास करके कांग्रेस जरूर सुनिएगा। तो शाम को रेल मार्ग से जोड़े जाने की मांग लंबे समय से चलती आ रही है, अब तक नहीं हुआ। तो शाम के कई गांव में नहरी पानी माफ कीजिए और पीने के पानी की बहुत किल्लत है। तो शाम के गांव में बिजली की बड़ी समस्या है, दिन में केवल 2 से 3 घंटे बिजली रहती है। तो शाम में कोई भी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है। यहाँ के लोगों की मांग है तो शाम में इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाई जाए। तो शाम में बेरोजगारी बड़ी समस्या है, लोगों की मांग है उनके इलाके में फैक्ट्री लगाई जाए ताकि रोजगार मिल सके। ये वीवीआईपी कंस्टिट्यूएंसी है सर, ये वो इलाका है जहां पर चौधर, हरियाणा की चौधर की जब लड़ाई हो और जब हरियाणा के चौधर के इतिहास की बात हो तो यहां पे बात होती है। अभी शर्मा जी कह रहे हैं कि तो शाम का किला हिलाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस, आईएनएलडी और बीजेपी, यही मैं ठीक समझ रहा हूं ना, ये दोनों हिल जाते हैं, सही है क्या? हाँ, पिछली बार मेरे हिसाब से ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था? हुआ यह था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उसको 2000 से नीचे वोट मिले थे। मिक्सिंग वहां पर, सेटिंग और मीटिंग कई तरह की हुई थी। इन लोगों ने मिलके किरण चौधरी से मिलके कैंडिडेट दिया था और जो हमारे एमपी थे उन्होंने बीजेपी की टिकट लेके उस आदमी को सारा वोट इंडिपेंडेंट को ट्रांसफर करा दिया था। ये वरना तो शाम को अगर सही ढंग से देखा जाए तो हमेशा ही विरोध का वोट ज्यादा होता है। मतलब ये टेलीविजन पे या रैलियों में ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, शर्मा जी मैं ठीक समझ रहा हूँ ना, एक दूसरे को खूब सुनाते हैं खरी खोटी और जब चुनाव का वक्त आता है तो कुछ खास सीटें हैं, है ना, और कैथल में भी एक सज्जन है जो जाके दुष्यंत को मदद कर रहे थे
और एवज में नीचे कौन मदद कर रहा था, ये इनसाइड स्टोरी आजकल सर पब्लिक सब जानती है। तो ये आपके यहाँ भी होता है कि चलो ये उस पार्टी वाला है उसको, तो ये जो आपने किरण चौधरी जी को बीजेपी ने मदद किया इलेक्शन में, तो वापस में कहां से मदद लिया? बीजेपी के साथ तो विश्वासघात हुआ, इनालो ने जरूर मदद किया कि उनकी मर्जी का कैंडिडेट दिया गया। हाँ। और इन्होंने नहीं, तो आपने आपके कैंडिडेट ने क्या किया? हमारे कैंडिडेट जो है, हमारे जो सांसद थे उस वक्त के, उनकी मर्जी से कि वो अपने परिवार से टिकट मांगते थे, परिवार में टिकट ना दे के उनकी मर्जी को टिकट दिया और उन्होंने अपने भाई को इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया, इस वजह से किरण चौधरी जीत की। वरना कोई वहां पर बीजेपी का 100% जीत होती। और आज भी तो सामने हाल ये है कि तो साहब का वोट 60% से ज्यादा है, और ठीक ढंग से कोई कैंडिडेट दिया जाए तो उसका जीतना मुश्किल है। ये सारी समस्याएं तो है ही, जरा ये इंटरनल पॉलिटिक्स मुझे भी समझा दीजिए। ये जब मौका आता है तो आप सेटिंग कर लेते हैं सर? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ही सही मायने में वहाँ सारी जाके मांगे रखी हैं, सारी जितनी भी पीछे टेनोर। अरे सर, वो तो भाषण में रैली में मांग लीजिए ना, हमारे स्टूडियो में चैनल पे भाषण दे दीजिए, स्टेटमेंट दे दीजिए। तुषाम का सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री थी, जो माइनिंग की थी, जिसपे 50,000 लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था, किरण चौधरी ने, कांग्रेस पार्टी ने वो पीछे अपने पूरे टेनोर। जरा शर्मा जी जरा इनके ज्ञान में इजाफा कीजिए, है ना? ये जो नहीं, ये अरे बेरोजगार बनाने का, अरे सर मैं कई बार कहता हूँ, एजुकेशन के मामले सर के मामले में, अरे वो सब हेल्थ वेल्थ तो ठीक है, सेकंड हमारी पार्टी थी। मैं मेरा नाम शशि रंजन है, तो हमारे उस, ये हमेशा याद रखिएगा। जरा इनकी सेटिंग, अरे सर मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी बताता हूँ सेटिंग क्या क्या हुई। जरा एक बार आप सुनिए, जरा इधर क्या सेटिंग हुई थी। अच्छा, एक ये जो है ना, ये जब आता है तो धड़कने बढ़ जाती है सर। बीपीसीपी की दवा है ना सबके पास, तो वो रखिएगा जी। ये ब्लैक बॉक्स वार्निंग है, दूसरे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। दूसरे राउंड के रुझान के मुताबिक बीजेपी एक सीट पर आगे चल रही है, कांग्रेस एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल दो सीटों पर आगे है। चलिए शुक्रिया काउंटिंग सेंटर। और ये दूसरे राउंड के रुझान सामने आए हैं, कुछ तब्दीलियां हैं, और बीजेपी अब भी जिसके पास दो सीटें हैं फिलहाल, भिवानी की जो चार हलके हैं, अब एक सीट पर बढ़ा दूसरे राउंड में। INLD जो तीन सीटों पर आगे चल रही थी, अब दो सीट पर आगे चल रही है, और एक सीट पर अब कांग्रेस आगे चल रही है। इंडिपेंडेंट या अदर्स का खाता यहां से फिलहाल खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। ये दूसरे राउंड की काउंटिंग है, दूसरे राउंड का रुझान है। एक दफा फिर आपको रिपीट कर दूं, दूसरे राउंड के रुझान में बीजेपी अभी भी एक सीट पर आगे चल रही है। INLD पहले राउंड में जो तीन सीट पर आगे चल रही थी, अब दो सीट पर आगे चल रही है, और कांग्रेस एक सीट पर आगे चल रही है। इंडिपेंडेंट या अदर्स के पास अभी कुछ नहीं है। जरा मुझे यह समझा दीजिए कि INLD ये तोशाम का खेल जो है ना, तोशाम का खेल, हिसार का खेल, और एक अपने JP साहब हैं कांग्रेस में, सुरजेवाला जी ने टिकट कटवाया था, उनका खेल। सर मैं भी थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करके आता हूँ, जरा इनको बताइए कि तोशाम क्षेत्र में शुरू से ही, सुनिएगा ठीक से, पार्टी के टाइम में बलबीर ग्रेवाल को खड़ा किया। हाँ, वो सारा एडजस्टमेंट कर रहा है, भिवानी का रहने वाला है और तोशाम से चुनाव। अच्छा, सेटिंग के लिए एक मधुर शब्द होता है एडजस्टमेंट जी। सुनील लांबा जी ने वहां से चुनाव लड़ा, वो भी भिवानी खेड़ा क्षेत्र से प्रभाव तोशाम में। तो क्या ये बंसीलाल परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं था? रैली में कुछ कह दे, वो अलग मैटर है, रैली में तो सभी एक दूसरे को सर, हैं। इस कार्यक्रम में तो पर्दे के नीचे वाला खोलिए। अगर बंसीलाल विरोधी वोट एक हो जाता है, वहाँ विरोधी एकजुटता से चुनाव लड़ता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव किरण चौधरी, INLD का भी पूरा समर्थन रहा है, एडजस्टमेंट सेटिंग। अब इस चुनाव में सेकंड टाइम रही है ना, सेकंड टाइम सेटिंग रही है सर, सेटिंग नहीं रही है, सेकंड है। ये कहने का आपका, वो देखिए ना, सेकंड है हम, सेकंड तो है ही।
सेटिंग भी रही। हमारे कैंडिडेट को आप किरण चौधरी के 55,000 थे, हमारे 40,000 थे और थर्ड में रही है बीजेपी आपकी वहाँ पे। और सबसे बड़ा कारण रहा है कि वहाँ ऐसा कोई लंबा चौड़ा किरण चौधरी प्रोजेक्ट नहीं लेकर आई। उल्टा जो एक अच्छा प्रोजेक्ट था जो पहाड़ का था, माइनिंग का था, बंद करवाने का काम किया है आपसी पार्टीबाजी की वजह से। और ये लोग एक ही बहाना बनाते थे कोर्ट में केस। वो ठीक है सर, अब अच्छा मुझे ये समझाइए, कई बार मेरे मित्र इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी में सबको बराबर वो मिला था। आज कहती है ना बीजेपी गवर्नमेंट की भी हम सब का समान विकास कर रहे हैं। आप किसी गांव में गए थे चीफ मिनिस्टर? सिर्फ एक जगह आके भाषण दे के जैसे आप बता रहे हो वहां छोटी मोटी घोषणा करके चले जाते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का चौटाला जी ने हर गांव में गए थे, हर गांव में विकास करवाया था। जहां उनकी ज्यादा मेन प्रॉब्लम थी वो करी थी, रोजगार सबसे ज्यादा काम किया, स्कूल सबसे ज्यादा अपग्रेड करे थे, रजवाए करे थे। ये मुझे बताइए कि अंदर चाय पीते हुए ये बताएंगे कि सेटिंग कैसे की जाती है, एडजस्टमेंट कैसे होती है, या अभी बताइए, या मेरे कान में बताएंगे? बिल्कुल, ये कोई 1% भी अभी सेटिंग वाली बात नहीं है। ये प्रूव करके दिखा दे मैं आपकी सारी बात। सर मैं तो समझना चाहता हूँ कि कभी कभी आप लोगों के साथ रहते रहते किसी कभी चुनाव लड़ने का मूड हुआ तो ये एडजस्टमेंट कैसे होता है ये मैं भी सीखूंगा जी। ठीक है, ये एडजस्टमेंट का ही खेल है ना सर? ये कोई एडजस्टमेंट का खेल नहीं है। अच्छा, तो अरे मतलब तो अगर एडजस्टमेंट में अगर कामयाब होते हैं तो कहना चाहिए सीना ठोक कर। मैं सबमिट करूं सर बात जी। तो शाम सारे हरियाणा में एक ऐसी विशेष कॉन्स्टिट्यूएंसी है जैसे आपने कहा कि वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी जी, बंसीलाल जी का, सुरेंद्र सिंह का, किरण चौधरी का इतना वर्चस्व है कि जैसे केसरी जी ने कहा कि अगर सारे विरोधी वोट एक हो जाएं, या जैसे सुनील लांबा जी ने कहा कि हम नंबर दो पे रहे, बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की और बीजेपी के कैंडिडेट की कोई सांठगांठ हो गई। सर मैं इन सारी बातों से सहमत नहीं हूँ। मेरी विनम्र सबमिशन है ये जी कि किरण चौधरी जो इलेक्शन 2014 में जीती है एक्सेप्शनल हालात में, जबकि सारे उत्तरी भारत में ये बड़ी बात कांग्रेस हार गई, बड़ी बात है सर। वो कोई ऐसे मिली भगत से या जोर तोड़ से नहीं जीत सकता कोई आदमी, और कोई 2-4 हजार 1 हजार से नहीं जीती है, पूरे 22,000 वोट से जीती है। मेरी सबमिशन इसलिए ये है कि इस परिवार का, इन नेताओं का इतना बड़ा वर्चस्व, इतने पॉपुलर है ये तोशाम हल्के में कि सारे मिल जाए तो भी किरण चौधरी या इस परिवार का कोई और व्यक्ति तो शाम से चुनाव नहीं हार सकता। एक बात और सर जी, केसरी जी ने कहा कि तो शाम हल्के में और सारी फील्ड में विकास हुआ, सड़क का, नहर का, पीने के पानी का, शिक्षा का नहीं हुआ। मेरी केसरी जी को विनम्र निवेदन है कि किरण चौधरी जी ने अपने 8 साल के मंत्रित्व के काल का में एक वुमेन कॉलेज वहां बनवाया तो शाम में, जो आज भी चल रहा है। और बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री थे, सुरेंद्र सिंह जी जब मंत्री थे, अनगिनत स्कूलों को या तो नए स्कूल खोले या अपग्रेड किए। तो ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। चलिए कि शिक्षा के क्षेत्र में इस परिवार ने अच्छा, ये एडजस्टमेंट की ट्रेनिंग मुझे आप तीनों में से कौन दे देंगे बेहतर, किनके पास जाऊं? आप मुझे लग रहा है सबसे अनुभवी है। हाँ सर, तो मैं कहा आपके यहाँ एडजस्टमेंट की ट्रेनिंग लो, इनके यहाँ या उनके यहाँ? सर मैं तो तोशाम की, आप आज के तोशाम के रुझान की बात। ना तोशाम, चलिए तोशाम पूरा हो गया। हाँ उसके सर, बाद मतलब मुझे छोटे भाई के तौर पे देखिए, कब तक पत्रकारिता करता रहूं? कर दूं मैं सर, एक बड़े भाई की ऐसे सबमिट कर दूं जी। आप सर 2014 को भूल जाइए, आज हम बात कर रहे हैं 2019 के चुनाव की। 2019 के चुनाव में क्या रुझान होने जा रहा है सर? चारों हलकों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज धरातल पे सर जी कांग्रेस नंबर एक पे है। उसकी वजह है सर कि लोग दोबारा से चौधरी बंसीलाल को, सुरेंद्र सिंह को, सर वही चौधरी वही, और श्रुति चौधरी को याद करने लगे। वही दिखा रहे हैं ना सर, मोड क्या है? सच्चाई है। हाँ, ये भी ये डब्बे से जो सर, निकलता है सर, मैं सर हो सकता वो ऑफिस में मैं नहीं करता हूँ सर, मैं रिक्वेस्ट करूँ। और आपको पता है कि 2014 में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, है ना, तो हमने हरियाणा दिल्ली एनसीआर का एक दूसरे चैनल में हमने सर्वे किया था और हमने तब भी बताया था कि ये सीटें आ रही हैं और वो सही हुई थी। मैं विनम्र निवेदन करूं सर जी, मैं आपके सर्वे पे सवाल नहीं उठा रहा। हाँ, नहीं, आप उठा भी सकते हैं, मतलब सर मैं नहीं उठा रहा जी, उसका स्वागत है। मैं सम्मान करता हूं आपके सर्वे का जी, आपने हो सकता है ठीक सर्वे किया हो जी,
लेकिन हो सकता है हाँ। आपके जो लोग सर्वे करने गए हों हाँ, वो गड़बड़ी करके आ जाएं। गड़बड़ी नहीं, वर्ड अच्छा गलती हो जाए, गलती से सर मेरे से भी हो सकती है हाँ। मुझे सर 7 लाख वोटर हाँ। है चार हलकों में जी, 7 लाख में 16 सौ का 16 सौ का किया है सर जी, क्या परसेंटेज हुई सर? सही बात, 41% ठीक सर, प्लीज जी लेट मी जल्दी, मुझे एक ब्रेक लेना आधा मिनट सर, एक सेकेंड। तो सर ये 7 लाख में 1600 का कहीं ना कहीं गलती हो सकती है और निश्चित तौर पे आपसे हुई है, आप 3 महीने के बाद 2 महीने के बाद जब दोबारा, अरे तो सर आप अभी से क्यों हार मान रहे हैं? मैं नहीं मान अभी, अभी तो 2 ही राउंड हुआ है सर, तीसरा राउंड आना है, चौथा नहीं मान रहा ये मतलब आप तो मैं नहीं मान रहा, मतलब कई बार होता है कि दिल की बात सामने आ जाती है। अरे सर देखिए ना, अभी तो तीसरा राउंड चौथा राउंड बाकी है, आप अभी से मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, मैं इतनी गालियां सुनने के बाद मैदान में डटा हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ये कांग्रेस वालों को मुझे समझाना पड़ेगा कि सर ये दूसरा ही राउंड है, अभी तीसरा चौथा बाकी है, अभी आपने बीपी का मतलब क्या मैं बोलूं। एक ब्रेक ले लेता हूं, तीसरा चौथा राउंड आने वाला है, एक छोटा सा ब्रेक, रिमोट मत उठाइए, बीपी की दवा ले लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, एक छोटा सा ब्रेक।